और दोस्तों एक बात और बोल रहा हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अनिल भाई के यूट्यूब चैनल को आप लोग है ना जल्दी से सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो अनिल भाई के चैनल को। अनिल भाई के चैनल को मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, जो है कि नीले कलर का नाम दिखेगा, अनिल ट्रकिंग ब्लॉग, उस पर आप टैप करोगे और सीधे अनिल भाई के चैनल पे चले जाओगे और अनिल भाई के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना और जल्दी से भाई 1K करवा दो, रिक्वेस्ट है भाई आप लोगों से। अनिल भाई ये रहे, मेरे चैनल का नाम है अनिल ट्रैकिंग ब्लॉग और जल्दी से जल्दी लाइक कमेंट शेयर करके दोस्तों 1K करवा दो प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 1K करवा दो, हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि 1K करवा दो यार दोस्तों प्लीज। ओके भाई, और अनिल भाई इस ट्रिप में तो अपने साथ में और आ गए हैं, अगली ट्रिप से बाकी 94 जाएंगे, बाकी जो अगली ट्रिप है वो तो अगली वो 94 ब्लॉक मिलेंगे अपने, 94 जाएंगे अपन, वही ब्लॉक मिलेंगे अपने, बाकी इसको तो भैया और फूफा जी चलाएंगे, बाकी जल्दी से जल्दी सपोर्ट करें और 1K करवा दो। हाँ दोस्तों 1K करवाओ अनिल भाई के चैनल को और अपने चैनल को आप लोगों ने 20K करवा दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट किया कि अपने 20,000 सब्सक्राइब पूरे हो गए और आप लोगों का काफी कमेंट आ रहा है कि विक्की भाई केक कब काट रहे हो, केक कब काट रहे हो, केक काटने वाले थे आने वाली ट्रिप में लेकिन भाई गाड़ी भरते भरते राती हो गई थी, उसी चक्कर में केक नहीं काटा, अब इधर से जाएंगे ना तो दिन में रहेंगे घर पे तो फर्स्ट क्लास भाई, दोनों केक लाएंगे, इंस्टाग्राम का भी 30K का और यूट्यूब का भी 20K का और काटेंगे भाई और आप लोगों को वीडियो भी बनाएंगे और आप लोगों को बताएंगे भाई पूरे ब्लॉग में, है ना। चल हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ अपने अपने जिंदगी में आप लोग बढ़िया से होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से होंगे। तो करते हैं अपने YouTube चैनल विकी ट्रकिंग ब्लॉग में आप सभी का स्वागत और करते हैं भाई आज वाले ब्लॉग को यहीं से कंटिन्यू, पिछला वाला ब्लॉग देखा होगा आप लोगों ने, हम लोग खाना वाना खा के और स्वागत होटल पे सो गए थे यहीं पे, क्योंकि हम आए थे चिखली माल भर के और मालवाल कल खाली कर दिया था और लेट ही कर दिया था पार्टी वाले ने खाली करने में, तो उसी चक्कर में गाड़ी कल लोड नहीं हुई, आज अपनी गाड़ी लोड हो जाएगी और हम लोग अभी है भाई वापी टोल से थोड़ा सा पहले स्वागत होटल पे और यहीं पे हम लोग खाना खा के रात को सो गए थे और अभी जो है दोस्तों दिन की 11 बज चुकी है और भूख भी लगने लगे भाई, तो अभी जा रहे हैं खाना खाने के लिए। बाकी दोस्तों आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हो और अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है भाई तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑल पर सेट कर लो। फिलहाल मैं दिखाते भाई यहाँ की लोकेशन और अपनी गाड़ी, ये है दोस्तों नेशनल 8 हाईवे जो है कि इधर लेफ्ट में जाएंगे तो वापी और वापी से आगे बम्बई आ जाएगा और इधर है दिल्ली, 8 हाईवे है दिल्ली वाला, बम्बई दिल्ली, और यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी भाई, ये रही देख सकते हो साइड में लगा दी थी हमने गाड़ी अपनी रात में और यहीं सो गए थे, ये रही आगे स्वागत होटल। चले अनिल भाई खाना वाना खा के आते, भूख लग रही है यार, भूख लग रही है, चलते भाई खाना खा के आते हैं, लग गया भाई खाना, खाने में बुला लिया सेव दूध, ये रही रोटी, इधर है सलाद, तो चलो अनिल भाई करे शुरुआत खाने की, चलो ठीक है खाते भाई खाना। दोस्तों खाना वाना खा के आए हम लोग और गाड़ी में ऐसे सोए ना भाई, बिल्कुल मतलब नींद 1 आ गई, तो अभी जस्ट उठा हूँ मैं भी और अनिल भाई भी सो गए थे और आज है संडे का दिन तो उसी चक्कर में गाड़ी भी नहीं लोड हुई और अभी शाम की 5:30 बज चुकी है, अभी अभी उठे हम, अभी हाथ मुंह धोए मैंने और मैं लेके आया था होटल से इधर दुकान थी तो सुरमा लेके आया था भाई, क्योंकि सुरमा लगाने से है ना आंखें वाखे पूरी साफ रहती है और जो भी कचरा वचरा धूल मट्टी जो भी होती है ना थोड़ा बहुत डस्ट वो आंखों से साफ हो जाता है, तो मैं लेके आ गया हूँ सुरमा, ये देख सकते हो आप लोग, ये सुरमा लेके आया हूँ भाई और लगाएंगे इसको, कितने की MRP है इस पे कितने लिखे है, 35 रूपए का है ये, एक ये लेके आया हूँ और एक ये सेंटल आया था KS का है, KS कंपनी का, क्या लिखा है KS स्पार्क देख सकते हो, और ये दिया है मुझे 70 रूपए का, छोटा सेंट है भाई, ये दो चीज लेके आया था तो सेंटा वेंटा में तो रखते हैं साइड में सुरमा लगाते भाई, ये रहा अभी सुरमा लगा के देखते हैं और इससे है ना आंखें भी पूरी काली हो जाती है, तो आंखें तो ठीक है काली हो वो तो चलेगा लेकिन खास करके अपनी आंखें है ना इससे साफ हो जाती है भाई, क्योंकि रात बेरात चलना पड़ता है ना तो शाम को अगर इसको लगा लेना तो नींद भी नहीं आती भाई, क्योंकि मैं पहले लगाता था, शाम को अगर रात में लगा लो ना तो इसको लगाने के बाद में एकदम बिल्कुल ठंडा ठंडा लगता है आंखों पे,
आंखों में ना बिल्कुल ठंडा लगता है, तो इसीलिए ले आया था। मैं पहले लगाता था, आज से मतलब समझ लो 2-2.5 साल पहले लगाता था, और 2-2.5 साल के बाद में मैंने आज से सोमा लगाना स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों। तो लगाते है, थोड़ी सी जलन होती है इसमें क्योंकि ये लगाते तो, और अनिल भाई भी लगाते थे अपने। अनिल भाई कैसे लगता सुरमा लगाते तो? जलन होती है आँख पे बस, बाकी अच्छा रहता है क्योंकि आँख साफ हो जाती है इससे। हाँ, और रात में लगा लेते तो नींद भी नहीं आती। नींद भी नहीं आती भाई इसको लगाने से, क्योंकि हवा है ना ठंडी ठंडी लगती है पूरी जब हवा चलती है तब। तो चलो कोई नहीं, इसको लगाते है। देखो दोस्तों, निकाल लिया मैंने, इसमें एक सुई निकली ये वाली, देख सकते हो आप लोग ये, और ये डब्बी खोल ली मैंने, और इस सुई से लगाएंगे भाई। एक में तो लगा लिया भाई, आंसू देख रहे हो कैसे निकल रहे हैं। अब दूसरे की बारी लगाने की। आहा, जितने आंसू गिरेंगे ना उतने क्लियर हो जाएंगे आंखें। भाई देख रहे हो आंसू कैसे हो गए, भयंकर निकल रहे भाई ये। इसको है ना पोंछ लेते भाई। भाई पहले पहले जब लगाए ना तो ऐसा लग रहा था कि मिर्ची डाल दी भाई किसी ने आंखों में, इतना खतरनाक लग रहा था। सुरमा उरमा तो लगा लिया दोस्तों, कैसे दिख रही आंखें कमेंट करके जरूर बताना। मस्त लग रही भाई, अभी ठंडी ठंडी लग रही पूरी, और अच्छा लग रहा भाई, अच्छी दिख रही भाई, आंखें भी काली काली दिख रही है ना। अनिल भाई कैसे लग रही? मस्त लग रही, एकदम झामरी दिखे वो तो ठीक है यार लेकिन आंखें है ना बिल्कुल साफ हो गई, और अच्छा ठंडा ठंडा लग रहा है। और थोड़ी सी वीडियो क्लिप में पुरानी वाली जोड़ रहा हूँ, क्योंकि भाई आज जो है ना एक ही जगह पे खड़े हुए हैं, तो थोड़ी सी वीडियो क्लिप में पुरानी वाली जोड़ रहा हूँ गाड़ी की। आप वीडियो एंजॉय करो, और कैसे लगे वीडियो जरा कमेंट करके बताना दोस्तों। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, हो चुकी भाई सुबह, और आज है भाई तीसरा दिन। गाड़ी है ना भराई नहीं कल भी अपनी, और हम खाना वाना खा के भाई यहीं पे सो गए थे, जो कि जिस होटल पे हम सोए थे देख सकते हो वहीं पे हम अभी भी, स्वागत होटल। और अभी अभी उठे भाई, और इधर भाई मिले हैं, भाई जा रहे थे मतलब सिलवास जा रहे थे भाई अपने जॉब पे, और भाई इधर गाड़ी देखी अपने अचानक, क्योंकि भाई ने कल वीडियो देखा होगा अपना, तो भाई मिलने के लिए आ गए। भाई मिलो भाई से। हाय विकी भाई को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो भाई। पहले तो अपना नाम बता दीजिए। ब्रिजेश भंडारी नाम है, सिलवास में रहता हूँ। इनका गाड़ी देखा, मैं आ रहा था, देखा गाड़ी तो मैंने चलो इनसे मिल गया था, ये सोए हुए थे, मैंने जगाया उनको। पहले सोचा जगाओ नहीं, लेकिन सोचा कि यार चलो आया हो तो मिल के जाता हूँ, उसके लिए इनको जगाया और फिर इनसे बातचीत की, चाय भाई पी हमने साथ में। ऐसा कोई टेंशन नहीं यार, जगह तो क्या हुआ क्या, हम तो समझ लो अभी कितने 8:30 बज रही होगी 8 बजे उठे भाई भाई को आधा घंटा हो गया आए हुए, और नींद वींद तो कहीं भी नहीं थी हमारी, फिर भी यार नींद ही नहीं खुली आज, 8 बज गई थी। तो अभी अभी उठे, हाथ मुंह धोए और चाय वाय पी, भाई को भी चाय पिलाई, हम भी पिए, और भाई जा रहे थे सिलवास। सिलवास जा रहे ना भाई? सिलवास जाएंगे। हाँ, हमारे यहाँ क्या है फंक्शन है, अमित शाह आ रहे हैं, इसके लिए क्या है बहुत बड़ा फंक्शन, सिलवास बंद रहेगा। हम सोचे कि चलो
आई है तो इनसे आज मिल के जाना है, क्योंकि वीडियो देखते हैं इनके, तो इनको क्या है सपोर्ट करो, ताकि क्या है और ये एकदम सही जानकारी देते हैं ट्रक के बारे में कि क्या क्या लॉस है, क्या प्रॉफिट है, क्या है क्या नहीं। इनको सपोर्ट करो ताकि क्या है पता चले जनरेशन को कि ये धंधा कैसा है और क्या है। बिल्कुल सही भाई, देखो मैं जितना भी बताता हूँ हिसाब किताब, भाड़ा तोड़ा खर्चा बचा सब कुछ हकीकत बताता हूँ भाई आप लोगों को। तो करते भाई से बातें, बाकी मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। करते भैया जी को बाय बाय। ठीक है भैया, फिर मिलेंगे, आऊंगा सिलवास तो फोन करूंगा आपको। हाँ ठीक है, मैं सेव करता हूँ आपका नंबर। ठीक है भाई, भाई आए थे इक्को से। ये रे भाई की इक्को, देखो भाई प्यार है भाई, देखो प्यार है भाई, दूसरा कुछ नहीं। देखो कहीं पे भी भाई लोग मिलने आ रहे ना, क्योंकि भाई को पता है अपना काम कैसा है, ओरिजिनल काम है, आगे का काम है, इसीलिए भाई लोग मिलने आते। भाई जा रहे भाई, बस अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे हम भी वापी, और कुछ ना कुछ लोड मिलेगा तो बताएंगे ट्रांसपोर्ट वाले। भाई भी सिलवास रहते हैं और भाई का भी ट्रांसपोर्ट का गाड़ियों का ही काम है। भाई कई कई दिनों से अपने वीडियो देखते थे, तो कमेंट कई बार आ रहा था कि विक्की भाई आओ सिलवास में, वापी साइड में आओ तो मिलना यार जरूर। लेकिन समथिंग अपने को 2-2.5 महीना हो गया है इस लाइन पे आए हुए, आए ही नहीं थे, क्योंकि उधर ही चल रहे थे पपीता पे, कई अंगूर पे, कई उधर ही चल रहे थे ना, उसे चक्कर में मिल नहीं पा रहे थे। तो मालिक ने आज मिलवाई दिया और भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा। भाई को चाय वाई पिलाए, हम भी पिए चाय। उन भैया जी को बाय बाय कर दिया, भाई भी चले गए और हम भी अभी यहीं खड़े हैं। और आज है भाई सोमवार, आज है अपने को यहाँ खड़े खड़े समझ लो 2 दिन ये हो गए और 1 दिन खाली करने में, 3 दिन हो गए भाई। जो है कि चिखली खाली करा था ना माल, चिखली से अंदर 15 किलोमीटर रणकुआ के पास, तो वहां से आकर यहाँ पे हो गए थे अपने को। अब आज अपने को 3रा दिन इसी जगह पे हो गया है दोस्तों। और हम आए थे शनिवार के दिन खाली करी, और संडे का दिन दो, और आज हो गया सोमवार 3रा दिन, और आज गाड़ी अपनी वापिस से लोड हो ही जाएगी कुछ ना कुछ। और खड़े भाई इसी जगह पे गाड़ी अपनी ये लगा दी, स्वागत होटल उस साइड में है, गाड़ियां खड़ी भाई इधर, और ये है इधर मेन हाईवे जो है कि मैंने पहले भी बता दिया हूँ आप लोगों को। और बस आज वाले ब्लॉग को दोस्तों रखते हैं यहीं तक। आज वाला ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर करना दोस्तों बिल्कुल ना भूले, और करते हैं आप लोगों को टाटा एंड बाय बाय।